सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमने मैनुअल सर्वे किया है उल्लास का, उसमें हम उल्लास ऐप पे किस तरह से जो लर्नर हैं और जो वीटी हैं उनकी एंट्री करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पे उल्लास ऐप इसको सर्च करेंगे। ये उल्लास ऐप का आइकन है और इसको आप जैसे ही आप ऐप को ओपन कर लेते तो आपसे वो लैंग्वेज का ऑप्शन पूछेगा कि आपको इंग्लिश में आगे प्रोसीड करना है हिंदी में, तो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे तो बेटर रहेगा कि इंग्लिश ही लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लें। इंग्लिश लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू द उल्लास ऐप। आपके पास ऐप शुरू हो जाएगी, इसमें है सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर टीचिंग और लर्निंग टू कंडक्ट द सर्वे करना है तो जस्ट तीसरे नंबर पर कंडक्ट इसको स्लाइड करेंगे। इस तरह से स्लाइड करेंगे आप टू कंडक्ट फॉर सबसे पहले सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर टीचिंग और टू कंडक्ट द सर्वे। तो हमें सर्वे पे क्लिक करना है, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे इस तरह से और उसके नीचे गेट ओटीपी आ जाएगा। तो ओटीपी आप इसमें फिलअप कर देंगे, जो भी ओटीपी है आपका आप उसको इसमें फिलअप कर देंगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपके पास ये सर्वे शुरू हो जाएगा, आपके साथ स्कूल का जो नाम है वो डिस्प्ले हो जाएगा और आपने कितने जो नॉन लिटरेट आइडेंटिफायर उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, कितने उसमें से टैग हो गए हैं, कितने वॉलंटियर जो उनको पढ़ाएंगे उनको रजिस्टर कर लिया और कितने उसमें से टैग कर दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से हम किसी भी जो जो नॉन लिटरेट है या इलिटरेट है उसको कैसे हम ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे सर्वे में, यहाँ पे तो सर्वे पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, बाद में आप भूल जाते हैं, आप इसको लर्नर को क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे इसको लर्नर को सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लर्नर को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे सबसे शुरू में है फैमिली हेड नेम। तो आप थोड़ा प्रोसेस को इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी जो जो अनपढ़ व्यक्ति है उसका नाम ही आप यहाँ पे डाल देंगे। तो उसका नाम यहाँ पे आप एंटर कर देंगे, उसके बाद फादर नेम एंटर कर देंगे, मदर नेम एंटर कर देंगे, एड्रेस उसका भर देंगे। यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखना है कि लर्नर में उसको इस पर जरूर क्लिक कर देंगे आप। उसके बाद उसकी एज, मोबाइल नंबर, मेल फीमेल है ये जो भी है, दिव्यांग है या नहीं, आइडेंटी टाइप इसमें काफ़ी सारी दी हुई हैं। जो इसमें मेजर रहेंगी वो हैं जैसे वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और राशन कार्ड हो गया। तो राशन कार्ड में इसमें जो नए वाले राशन कार्ड हैं उनका जो 6 डिजिट से बड़ा नंबर होता है वो उसका ध्यान रखेंगे आप। तो और भी बहुत सारे हैं, आप इसको चेक कर लेंगे, जो भी उपलब्ध हो उसको यूज़ कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद आप उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, एससी बीसी माइनॉरिटी या एसटी जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जनरल है। उसके बाद प्रोफेशन टाइप के वो क्या कर रहा है, जो वो लर्नर है, लर्नर मतलब जो हमने आइडेंटिफाई किया है, जो अनपढ़ व्यक्ति हमने आइडेंटिफाई किया है 15 साल से ऊपर का, वो क्या कर रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इनको देख लेंगे, चेक कर लेंगे, अपने हिसाब से फिल कर देंगे उसको, जो भी है उसका ऑप्शन को फिल कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऐड हेड ऑफ द फैमिली ओनली, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। और उसके बाद फिर सबसे लास्ट का जो स्टेप है हमारा ऐड मेंबर, और उसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से वो जो मेंबर है वो ऐड हो जाएगा। तो जब वो मेंबर ऐड हो जाएगा तो आप देखेंगे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जो इस काम को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो वो मेंबर आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा इस जगह पे, एक आ जाएगा और यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे वो अभी टैग नहीं है, मतलब यहाँ पे अनटैग में आ जाएगा वो, जब वो टैग हो जाएगा तो फिर वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, पहले वो अनटैग में आएगा फिर बाद में वो टैग में आएगा, ये बात आप ध्यान रखोगे। अब उसके बाद हम वीटी को कैसे ऐड करते हैं जो उनको पढ़ाएगा, तो इसके लिए फिर आप सर्वे पे जाएंगे, सेम वही है, सेम प्रोसेस रहेगा, जस्ट आपको अब वीटी के लिए यहाँ पे वीटी को सिलेक्ट करना है, बस इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है इस प्रोसेस में, ये इतना प्रोसेस रहेगा।
तो आपने क्या कर लिया है, लर्नर को ऐड कर लिया है और वीटी को ऐड कर लिया है। तो लर्नर और वीटी को ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपका काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप उनको टैग नहीं करते हैं। तो जैसे ही आप, अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जो मेरी वाली आईडी में आप देखेंगे कि 38 जो लर्नर हैं वो टैग्ड हैं और 37 अभी टैग नहीं है। जो वॉलंटियर हैं जो उनको पढ़ाएंगे 4 टैग हैं, कोई भी अनटैग नहीं है। यानी कि जो 38 लर्नर हैं वो मैंने इनको असाइन कर दिए हैं 4 वीटी को। एक वीटी को आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 असाइन कर सकते हो। तो लर्नर को और वीटी को आप टैग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है टैग का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टैग और एडिट टैग, एडिट टैग मीन्स किसी लर्नर का वीटी अगर आपको चेंज करना है तो टैग पे जाएंगे। और टैग पे जाते ही आपके पास जितने भी अनटैग्ड हैं, जो टैग नहीं हुए हैं, वो लर्नर आ जाएंगे यहाँ पे। अब ये देखो बहुत सारे लर्नर हैं जो टैग नहीं हुए हैं, तो आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करते हो और उनको टैग करना है। तो इस तरह से आप इनमें से कोई सभी, जैसे मैं आपको एक सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक लर्नर है सीमा, इसको टैग करना है, तो स्टार्ट टैगिंग इस पर गए हम। तो जैसे ही आप इस पर जाते हैं तो ये यहाँ पे हम किसको टैग कर रहे थे, सीमा को, तो सीमा को टैग किया। और यहाँ पे आप क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे इधर आप देखेंगे राइट साइड में जितने भी वीटी हैं वो सारे शो हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो चारों वीटी शो हो रहे हैं। अब आपने जिसको, जिसके साथ इसको टैग करना है, क्योंकि मैंने 4 वीटी की एंट्री कर रखी है तो चारों दिखा दिए, आपने एक कर रखी होगी तो एक को दिखाएंगे, 2 कर रखे होंगे तो 2 को दिखाएंगे। तो जितने भी हैं उनमें से आपको जिसको भी वो करना है तो आप कर देंगे। तो यहाँ पे आप मान सपोज करो मुझे इसको फर्स्ट वाले वीटी के साथ अटैच करना था, मैं फर्स्ट वाले वीटी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये जो सर्कल है इस पर इसको क्लिक कर देंगे आप यहाँ पे। अब देखो ये जो सीमा है इसके साथ टैग हो जाएगी। तो आपको जस्ट अब क्या करना है, यहाँ पे जो टैग है नीचे इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पे। जैसे ही आप टैग पे क्लिक करते हो तो टैग पे क्लिक करते ही कंग्रेचुलेशन लर्नर इज टैग सक्सेसफुली विद द वॉलंटियर टीचर, तो वो टैग हो जाएगा। डैशबोर्ड पे वापस जाते हैं, गो टू डैशबोर्ड। अब यहाँ पे देखो आप 38 की जगह पे जो लर्नर हैं, जो टैग्ड लर्नर हैं वो 39 हो गए। तो इस तरह से आप जो आपने जो सर्वे किया है उसको आपके माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, मोबाइल नंबर हर लर्नर के लिए आपको अलग से चाहिएगा। थैंक यू वेरी मच।